easy go. हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल नीलम रावत सिंपल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, होली आने वाली है, इसलिए सभी घरों में आलू के पापड़ और चिप्स वगैरह बनने लगते हैं। मैं भी आज आलू के पापड़ बनाने जा रही हूँ, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो फिर चलते हैं, बनाते हैं आलू के पापड़। तो फ्रेंड्स, आलू के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 2 किलो आलू लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से पानी से धुल लिया है। और धुलने के बाद अब मैं इनको गैस पर ये कुकर में उबलने के लिए रख दूँगी। 3 से 4 सीटियाँ बज जाएंगी तब मैं इसको उतार के छील लूँगी। फ्रेंड्स, ये आलू उबल कर हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। 4 से 5 सीटी बजा के अच्छे से हमने इनको उबाल लिया है, तो अब हम इनको छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आलू उबाल लिया मैंने, जो छोटे छोटे से ऐसे करके तोड़ लिया भी हाथ से। और मैंने ये 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है, सरसों का ऑयल लिया है, और मसाला मैंने ली है लाल मिर्च, तो मैं डालूँगी 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार, और मैंने जो हींग ली है 1 चम्मच, ये जीरा डालेंगे सबसे पहले, 1 चम्मच ही लाल मिर्च, 1 ही चम्मच ले रही हूँ मैं, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद ज़्यादा लगने लगता है, इसलिए आप स्वाद अनुसार ले लें नमक जितना आपके आलू हो। हींग मैं ले रही हूँ इतना, आधा चम्मच, छोटा चम्मच। फ्रेंड्स, ये ऑयल जो है थोड़ा सा मैं इसमें मिला रही हूँ, 3 चम्मच। ये ऑयल मिलाने से इसमें थोड़ी चिकनाहट आ जाती है और हाथ में चिपकता नहीं है, तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आलू मैं सारे मसाले मिला लिए हैं, नमक, लाल मिर्च, हींग और जीरा अच्छे से मैश कर लिया है आलूओं को। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ये कद्दूकस लेंगे, और इसमें जो गुठलियाँ हैं थोड़ी सी बची हुई हैं आलूओं में, वो कद्दूकस कर लेंगे आलू, जिससे कि वो गुठलियाँ भी अच्छे से ख़त्म हो जाएंगी। इसको अच्छे से चिकना बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये आलू मैंने कद्दूकस पूरा इसे कर लिया है, कद्दूकस से थोड़ा सा हाथ में तेल लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ कर लेंगे, बना के रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए छोटी छोटी लोई बना के हाथ में तेल लगा के मैंने लोई बना ली है, इस तरह से आप लोई बना के रख लें। उसके बाद फ्रेंड, इस तरह की आपके पास प्लेन साड़ी की पॉलीथीन, मेरे पास इस तरह की बनी थी, जिसको मैंने ये 2 टुकड़ों में काट लिया है अच्छे से साफ करके। तो इस तरह से आप एक पॉलीथीन को इस तरह से रखेंगे नीचे पापड़ बनाने के लिए, थोड़ा सा तेल लगा लेंगे पॉलीथीन में, जिससे ये आराम से निकल जाए आसानी से। एक लोई ले लेंगे, थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर लोई के ऊपर मैं दूसरी पॉलीथीन रख दे रही हूँ, इसको मैं थाली की सहायता से दबाऊंगी इसके सेंटर में, और धीरे से मैं, ये प्लेट है छोटी सी, तो उसकी सहायता से इसको सेंटर में दबा के पापड़ बना रही हूँ। देखिए, धीरे से इसको पन्नी को निकालेंगे पॉलीथीन को, आराम से देखिए ये कितना अच्छा पापड़ बन गया हमारा, तैयार हो गया है बिल्कुल आराम से। और अब हम इसको आपको कहीं भी धूप में पलंग बिछा लें, उस पर ऐसी पन्नी बिछा लें, पॉलीथीन, बड़ी पॉलीथीन बिछा लें, तो इस तरह से धीरे से, और पॉलीथीन में थोड़ा सा तेल लगा लें तो जल्दी से निकल जाएंगे जब सूखेंगे, उसको धीरे से ले जाके आप इस तरह से, ये पॉलीथीन पे हमने ये धीरे से रखा है, और ऐसे धीरे से हाथ से प्रेस करके निकाल लें ये पन्नी, ये पॉलीथीन है, धीरे धीरे से। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने आराम से ये पापड़ हमारा बनके तैयार हो गया है।
उसको आप धूप में 2 से 3 दिन तक अच्छे से सुखा लें, और जब ये सूख जाए तो आप इनको पापड़ को साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से और पापड़ मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जो पापड़ थे आलू के, उनको मैंने 2 दिन अच्छे से धूप में सुखा लिया है। अब इनको मैं सेक रही हूँ, फ्राई पैन में तेल डाल दिया है मैंने। तीन आँच में अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स ये चाय बनकर भी हमारी तैयार हो गई है, फुल रेडी है पापड़ के साथ पीने के लिए। तो बस जल्दी से छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आलू के पापड़ हमारे सीख कर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, जो बहुत थोड़े से तेल में सीख जाते हैं। और चाय भी बनकर हमारी बिल्कुल रेडी है, और तो आप चाय के, शाम की चाय के साथ पापड़ अच्छे से खा सकते हैं, जो बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। और इनको हम साल भर स्टोर करके रख भी सकते हैं। आलू के जो पापड़ होते हैं उनको मैंने अच्छे से 2 दिन धूप में सुखा लिया था। बीच बीच में भी आप इनको धूप दिखाते रहिए। तो फ्रेंड्स आपको हमारे आलू के पापड़ की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नीलम रावत सिंपल टिप्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो जरूर ही कीजिए। फिर मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में।